राजस्थान का चुनाव है अगले महीने में। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए डबल इंजन की सरकार देश में जहां जहां है, 11-12 करोड़ परिवारों में नल से जल देने का जो काम हुआ है, राजस्थान जो भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूब गया है, मुख्यमंत्री महोदय केवल अपनी सत्ता कुर्सी बचाने के चक्कर में और विधायकों की गुलामी करते रहे, विधायक टूट के चले जाएंगे, मेरी सरकार चली जाएगी। विधायकों ने जो लूट मचाया है लोगों की सेवा करने के बदले में, और यहाँ जो तुष्टिकरण की राजनीति बड़े जोरों पर जिसने जोर दिया है वो सब जानते हैं, सबको मालूम भी है। इस तुष्टिकरण की राजनीति से निजात देने के लिए भारत, विकसित भारत तब बनेगा जब भारत के 140 करोड़ लोग एक समानता के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो डबल इंजन की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भ्रष्टाचार से निजात मिले, यहाँ पर जो महिलाओं के साथ में किस प्रकार से देश के सबसे नंबर वन राज्यों में महिला करप्शन के मामले में राजस्थान नंबर वन है पूरे देश के, और उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, रोज कोई ना कोई कोना कोई कोना कोई आप उत्पात होता देख रहे हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में है, और सभी राजनीतिक दल जब चुनाव होते हैं तो अपने अपने कार्यकर्ताओं को सहयोग के लिए भेजते हैं। अन्य राजनीतिक दल परिवार की एक वो बनकर रह गए हैं पहचान, और उनके कुछ चाटुकार, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन है जो परिवारवाद से बाहर निकलकर और केवल कार्यकर्ता के बलबूते पर चुनाव लड़ता है, और राजनीति में जनता सेवा के लिए, राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति से देश को बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। पहले टॉप के दो दिवसीय दौरे पर है, उनका कहना है कि चुनाव आते ही बीजेपी के नेता राजस्थान आना शुरू हो गए, यात्राएं जल से निकाल रहे हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो टोंक की जो जनता है सम्मानित वो बताएगी कि कौन चुनाव के दौरान आते हैं और कौन छः छः एक एक महीने क्षेत्र से गायब रहते हैं, वो लोग जानते हैं। 70,000 वोटों से जीतने का दावा किया है कांग्रेस ने सचिन पायलट के इस बार। जो निर्दलीय लड़ता है वो भी यही दावा करता है कि मैं भी चुनाव जीतूंगा, वरना निर्दलीय चुनाव लड़े ही ना, अगर उसको गलतफहमी ना रहे तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े ही ना, निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव लड़े। नहीं नहीं कोई घेराबंदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव अपना राजनीतिक, पिछली बार दौसा में पायलट के पिताजी राजेश जी दौसा से भी रहे थे, पिछली बार में 4 महीने दौसा का इंचार्ज था, अलवर का इंचार्ज था, तो दौसा भी तो वही सीट का, मतलब पायलट जहाँ जहाँ आप वहाँ, अलवर में तो पायलट नहीं थे, भिदुड़ी के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में तो पायलट नहीं थे, एक भिदुड़ी के खिलाफ भिदुड़ी को लाने के लिए चित्तौड़गढ़ में तो पायलट नहीं थे, पिछली बार में चित्तौड़गढ़ भी था, कल जयपुर में भी था, तो पिछली बार 4 जिले थे मेरे पास। कल एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है जयपुर के अंदर कि अब जो है हत्याओं पर, मौतों पर जो है, मुआवजे पर जो है विरोध प्रदर्शन होने लगा। वो बड़े नेताओं का काम है, वही सब बयान देंगे। आज संगठनात्मक बैठक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करता है, हर व्यक्ति से मिलता है, बूथ स्तर पर काम करते हुए मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी की रही है। उसी स्तर पर सभी मंडल के पदाधिकारी, महामंत्री अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्री, उन सब के साथ में बैठक रखी गई है पदाधिकारियों की, और चुनाव को कैसी रणनीति हो, क्या हो, सबके साथ में बात। नमस्कार नमस्कार। दानिश अली के खिलाफ जो बोला था कायम है आप,